अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं जी अरबी के पत्ते, किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, मेरे बचपन में मैं इनको हाथी के कान कहा करती थी, लेकिन बाद में पता चला ये अरबी के पत्ते होते हैं। चले जी, इसकी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम इसको धो लेंगे। ये देख सकते हैं जी, ये काफी बड़े बड़े होते हैं, तो हम इसको मिड में से कट कर लेंगे और इसके इस डंठल को हम काट के फेंक देंगे। काफी बड़ा पत्ता हो तो आप चार पीस भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे थे तो मैंने इसमें से सिर्फ दो दो पीसेस किए हैं। पत्तों को फ्राई करने के लिए सबसे पहले जी हम डो बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए जी बेसन, हसबे जायका लाल मिर्चे, हसबे जायका नमक, नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं। जीरा ऐड करेंगे इसमें और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। और इसको आपने जी बहुत पतला नहीं बनाना, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना, पानी को ठहर ठहर कर इसमें ऐड करें। ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, 5 मिनट इसको बना के रख देंगे हम। और इस 5 मिनट की ब्रेक में आप कुछ खा पी भी सकते हैं, मैं तो यहाँ गोला खा रही हूँ। घी या ऑयल हमें ऐड करेंगे। ऑयल या घी में आप इसको फ्राई कर सकती हैं। ऑयल जो है इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अच्छे से फ्राई करने के लिए। पत्तों को कुछ इस तरह से इसमें डिप करेंगे और दोनों साइडों पर हम इसका जो ये डो है लगा लेंगे और कुछ इस तरह से जो इसको हम मोड़ लेंगे पूरे पत्ते को। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करके जी आपने डिप करना है आहिस्ता से, और बहुत ज्यादा तेज आंच पर आपने फ्राई नहीं करना, मतलब हल्की हल्की आंच पर फ्राई करना है। और एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। बहुत ज्यादा जी इसको फ्राई नहीं करना, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और वन बाय वन इसमें से दो दो तीन तीन हिस्से हम कर लेंगे। कैंची की मदद से कुछ इस तरह से आप इसको कट कर लेंगे। हम इसका मसाला बर्तन में सबसे पहले जी घी या ऑयल ऐड करेंगे। गर्म घी में जी जीरा ऐड करेंगे, फ्री कटा हुआ प्याज, प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया। कुछ लोग प्याज ऐड नहीं करते, दही में बनाते हैं, लेकिन मुझे मसाले वाले पसंद है तो मैं इसमें हरी मिर्च, टमाटर और प्याज लाजमी ऐड करती हूँ। लहसुन अदरक इसमें ऐड करेंगे और तेज आंच पर इसको फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च या टमाटर शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ, तेज आंच पर अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। हसबे जायका नमक, लाल पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया और हल्दी को डालकर अच्छे से मिक्स करें। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम दही ऐड करेंगे और तेज आंच पर इसको मिक्स करेंगे हम। मसाला भुनने की ये निशानी है, जो ऑयल है वो अलग हो जाता है। वन बाय वन हम इसको ऐड करेंगे इसमें। पत्तों को जब आप इसमें ऐड करें तो कुछ इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है दोनों साइड से। अच्छे से कर लिया जी मिक्स, 5 मिनट का दम लगाएंगे इसे। कोई भी काम जी मिनटों सेकंडों में नहीं होता, हर चीज में मेहनत होती है। मुझे बहुत पसंद है और आप बताइएगा आपने इनको कभी ट्राई किया है या नहीं। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपकी नेल्स बहुत बड़े हैं, तो ये देख सकते हैं साफ सुथरे भी हैं। अरबी के पत्ते बिल्कुल रेडी हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं जी ऑयल छूट चुका है और ये कितने ज्यादा जी प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह।